Ok. आज हम चर्चा करने वाले हैं विभिन्न कमीशन की और चलिए चाची चीन चाय। इसको कह सकते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। कल हमने यूपीएससी के बारे में चर्चा की थी, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। और सबसे पहली बात उसके बारे में ये जानना था कि उसके प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, संविधान में दिए गए हैं, इसलिए वो एक संवैधानिक संस्था थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कौन सी? यूपीएससी। जब हम राष्ट्रीय महिला आयोग या मानव अधिकार आयोग इनके बारे में चर्चा करते हैं, तो ये वो कमीशन हैं जिनको संविधान में जगह नहीं मिली, लेकिन ये किसी न किसी कानून के माध्यम से आए हैं। जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के थ्रू बना, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990। इसका मतलब इस अधिनियम को एक कानून के माध्यम से लाया गया, इसलिए इसको कौन सी संस्था कहते हैं? सांविधिक या स्टैचुटरी बॉडी। ऐसा नहीं है कि हमें पहले नहीं पता था कि ये 1990 में ये जो अधिनियम आया, इस एक्ट का एम था, उद्देश्य था, प्रमुख उद्देश्य या कह लो एकमात्र उद्देश्य, कि एक ऐसी संस्था बनाएंगे जो महिलाओं के हितों की रक्षा करेगी, जिसका नाम होगा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन या NCW कह सकते हैं। तो NCW बनाना। इसी उद्देश्य के साथ इस एक्ट के माध्यम से 31 जनवरी 1992 को एक कमीशन का गठन किया गया, जिसको नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कहते हैं। 31 दिसंबर 1992। अब देखिए, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की क्या कहानी है। हमारे देश में आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद अब तक दो ऐसे प्रमुख वर्ग हैं जो बड़े परेशान या प्रताड़ित रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में। एक तो हम किसान या मजदूर वर्ग, जो आज़ादी से पहले से लेकर अब, और दूसरा महिला वर्ग। हम जब हमने संविधान और मजदूर वर्ग में या किसान वर्ग में वो सभी वर्ग आ गए जो बेशक छुआछूत से प्रताड़ित हो, है ना। दूसरा वर्ग जो महिलाओं का है, उनकी स्थिति बहुत दयनीय रही है हमारे हिंदुस्तान में, क्योंकि हमारा देश बहुत सारी कुरीतियों के आधार पर चलने वाला देश है, बड़ी रूढ़िवादी वाला देश है, और पुरुष प्रधान समाज कहलाता है। और पुरुष प्रधान समाज होने के नाते हम लोगों को ऐसा लगता था कि महिला और पुरुष बराबर नहीं है, महिलाओं की कुछ विशेष ही जिम्मेदारी होती हैं। इसीलिए आज भी गांव में या कस्बों में जब बच्ची का जन्म होता है, तो माँ बाप की एक ही सोच रहती है कि फाइनली पढ़ लिख कर उसकी शादी करनी है। और ये जो सोच है, ये हमारे असल हिंदुस्तान की सोच रही है। 1950 में जब संविधान लागू हुआ,
तब एक तरीके से महिला और पुरुष को बराबर कर दिया, बट ऑन पेपर, क्योंकि संविधान निर्माताओं को पता होगा कि अगर हम महिला और पुरुष को बराबर मानते हैं, अगर वो बराबर हैं हमारे देश में, फिर सब कुछ ठीक है। तो हमारे संविधान का निर्माण तो एक इस सोच के साथ किया गया कि महिला और पुरुष बराबर है, और उनको ऐसा लगा कि हमने सभी के लिए प्रावधान कर दिए हैं पर्याप्त। इसका मतलब हमने जो संविधान में लिखा है या हमारे कानूनों में लिखा है, कानूनों में किन बातों का जिक्र है कि भाई दहेज प्रथा कानून बन गया या घरेलू हिंसा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बन गया, ये जो कानून है ये अपराध होने के बाद लागू होने वाले कानून है महिलाओं के ऊपर, कि अपराध घटित होगा और अगर ये कोई अपराध करेगा तो उसको सजा दे दी जाएगी। लेकिन इसमें अधिकारों वाली बात कोई नहीं है कि आपने ऐसे अधिकार दिए हों या आपने कुछ ऐसे प्रोविजंस किए हों जिससे महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके या कॉन्फिडेंट महसूस कर सके कि वो घटना हो ही नहीं जो डोमेस्टिक वायलेंस है। तो एक तरफ तो ये कहा गया हमारे संविधान के थ्रू कि महिला और पुरुष आपस में समान है, जबकि दूसरी तरफ ऐसे कानूनों के माध्यम से हम अभी तक इन अपराधों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि असल मायने में ये कानून अपराध को रोकने के लिए नहीं, अपराधी को दंडित करने के लिए थे। अगर हमारे संविधान में या 1950 से लेकर 1990 तक सब कुछ ठीक रहा होता तो हमें 1990 के दशक में जब दुनिया बहुत आगे जा चुकी थी तब हम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए बात कर रहे थे। और हम जितने आयोग अभी पढ़ रहे हैं, हमने अनुसूचित जाति आयोग पढ़ा है ना, हमने ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पढ़ा या राष्ट्रीय महिला आयोग पढ़ा, ये 90 के दशक के आसपास की देन है सब, 90 के टाइम के। और 90 का वो दशक हमारे हिंदुस्तान के लिए महत्वपूर्ण कई संदर्भों में है कि आतंकवाद चरम पर पहुँच गया हमारे देश में, हम पूरे विश्व में फेमस हो गए आतंकवाद को लेकर, हमारे यहाँ नक्सल समस्या पैदा हो गई, हमारे यहाँ माओस्ट समस्या पैदा हो गई, डाकुओं की समस्या पैदा हो गई। तो और ये नई समस्याएं थी, लेकिन हमारी कुछ मूलभूत समस्याएं थी कि हम अपने नागरिकों के हितों की रक्षा करें। तो ये 90 के दशक में जब हमें चारों तरफ से हम घिर रहे होंगे कि इस देश की हालत इतनी गंभीर है कि किसी भी सेक्टर में जाओ इनके नागरिक परेशान नज़र आते हैं, कि कोई आतंकवाद से परेशान है, कोई अपने इंटरनल मैटर से परेशान है, लेकिन एक वर्ग है कि महिला वर्ग, उनके उत्थान के लिए कोई शायद प्रयास नहीं किए गए। तो 90 के टाइम पर 31 जनवरी 1992 को ये आयोग आने से पहले इस आयोग को लाने के लिए एक कानून लाना पड़ा है ना, जिस कानून का नाम क्या था, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990, जिसका उद्देश्य था कि अब ये एक संस्था बनाने वाले हैं। लेकिन ये संस्था बन भी गई और इस संस्था को अगर इसके आलोचनात्मक मैं दृष्टिकोण रखूं कि भाई इसमें अच्छी बात क्या है और बुरी बात क्या है, तो इस संस्था की अच्छाइयों के ऊपर इसकी कमियां बहुत ओवरलैप करती हैं। इसकी कमियां ओवरलैप इसलिए करती हैं कि जैसे हमने ह्यूमन राइट कमीशन बनाया, ह्यूमन राइट कमीशन में हमने एक चेयरपर्सन ऐसा बनाया जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहा हो, मतलब इस पद पर रहने वाला एक व्यक्ति, और कुछ सदस्य हमने ऐसे बनाए जो सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से ताल्लुक रखते हों, यानी कि जुडिशियल संस्था से जुड़े हुए लोग। हमने मानव अधिकारों की रक्षा को हमने बड़े पैमाने पर लागू करने की कोशिश की, लेकिन जैसी महिला आयोग की बात आती है तो यहाँ अध्यक्ष और सदस्यों के चुनाव के लिए जैसे ये कमीशन बनेगा इसके लिए कुछ विशेष योग्यताएं निर्धारित नहीं की गई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही इनको अपॉइंट कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने किन आधारों पर अपॉइंट कर दिया कि भाई उस व्यक्ति को उन आधारों पर अपॉइंट कर दिया कि उसने महिला जागरूकता के लिए काम किया हो, विधि कानून का वो जानकार हो, लेकिन कुल मिला के कोई योग्यता नहीं रखी गई जैसे मानव अधिकार आयोग में रखी गई थी। इस आयोग का काम एक तरीके से सिफारिश ही हो गया कि सिफारिश करने तक सीमित इसलिए हो गया कि इस आयोग का भी काम क्या है, ये केंद्र सरकार को बोले कि यहाँ संबंधित क्षेत्र में महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुआ या कुछ ऐसा केस आया जिस पर आपने संज्ञान नहीं लिया,
ये किससे बोलेंगे? केंद्र सरकार से। अब केंद्र सरकार ही इनको अपॉइंट कर रही है, तो इस आयोग का क्या दबाव होगा केंद्र सरकार के ऊपर? क्योंकि इनके अध्यक्ष को कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, पीएम, कि भाई किसको अपॉइंट किया जाए, इनको अध्यक्ष के तौर पर अपॉइंट कर दो। अब ये कैसे पीएम से प्रश्न करेंगे? एक तरीके से सोचिए आप, अगर प्रैक्टिकली हम बात करें, इन बातों इन पर विमर्श इसलिए नहीं होता क्योंकि ये जानकारी का मुद्दा है नहीं हर किसी के, हम पढ़ रहे हैं इसलिए हमें पता चलता है। तो आयोग तो बना दिया लेकिन एक कठपुतली की तरह ये काम कर रहा है, ये समझिए। उन्नाव केस आपको याद होगा, उन्नाव केस एक दुष्कर्म का मामला था, तो वो जो पीड़ित जो भी बच्ची थी वो मेरे ख्याल से पुलिस थाने से लेकर हर एक नेता से लेकर सीएम से लेकर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, वेमेन कमीशन, पीएम हाउस, प्रेसिडेंट, इतनी जगह उसको परेशान होना पड़ा। अगर महिलाओं के लिए इन्होंने कुछ राइट या ऐसे कुछ कमीशन बनाए होते तो उसको जाना ही नहीं पड़ता। और इसका उद्देश्य खास तौर से ऐसे कमीशन का उद्देश्य ही ये होता है कि भाई अगर कोई नहीं भी आ पा रहा है तो ना आए। हम पुलिस स्टेशन नहीं है कि हमारे यहाँ FIR होगी तभी हम किसी की मदद करने जाएंगे। इनके उद्देश्यों में शामिल होता था कि अगर महिलाओं के राइट के वॉयलेशन संबंधित कोई भी आप पर खबर आती है, आप सुन लेते हो, पढ़ लेते हो, कहीं देख लेते हो, न्यूज़ चैनल में देख लेते हो, कोई आपको मौखिक जानकारी दे देता है, कहीं से भी आपको पता चल जाता है, तो आप खुद जाके संज्ञान ले सकते हैं। इन कमीशन की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अदरवाइज उसको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, एक FIR दर्ज करानी ही पड़ेगी। और इसमें हमारे देश में महिलाओं की वो स्थिति नहीं है कि वो खुशी खुशी, महिलाओं की क्या, पुरुषों की वो स्थिति नहीं है कि वो पुलिस स्टेशन खुशी खुशी जाएं, है ना? तो उद्देश्य बहुत अच्छा था लेकिन प्रावधान उतने स्ट्रांग नहीं थे। तो ये बनाया गया इस एक्ट के माध्यम से, तो पहली बात कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांवैधानिक संस्था है, क्योंकि कानून के माध्यम से लाई गई है। और इस कानून में कुछ प्रावधान है, प्रोविजंस, जिनको चैप्टर्स में बांटा गया है और सेक्शंस में बांटा गया है। इस कानून में कुल मिला के 17 सेक्शन है। कितने सेक्शन है? 17। इनको 5 चैप्टर्स में बांटा गया है। थोड़ी सी देर, बड़ी साधारण से उसके प्रोविजंस हैं, कुछ विशेष प्रोविजन नहीं है। मैं आपको इन सभी 17 सेक्शन को एक बार में बताता हूँ क्या क्या है उनके बारे में, सभी सेक्शन में क्या क्या है हर एक सेक्शन में। तो इन 17 टोटल सेक्शन या धाराओं को 5 अध्यायों में बांटा गया, जिसके माध्यम से हमें क्या क्या पता चलेगा कि ये नेशनल कमीशन फॉर वेमेन क्या होता है, इसका एस्टेब्लिशमेंट कैसे होता है, कितने मेंबर्स होते हैं या चेयरपर्सन कैसे चुने जाते हैं, इसके अलावा इनके काम क्या होते हैं, इनकी सैलरीज कैसे दी जाती है, है ना, रेजिग्नेशन कैसे होता है, अपॉइंटमेंट कैसे होता है, पूरी जानकारी इस एक्ट में दी जाती है क्योंकि इसी कानून के माध्यम से ये कमीशन लाया गया है, है ना। तो 17 सेक्शन, चैप्टर नंबर, कितने चैप्टर हैं कुल मिला के? 5। इनमें पहला चैप्टर किसी भी एक्ट का एक तरीके से मान लो इंट्रोडक्टरी सेक्शन हो गया, सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन नंबर 2। मैं सभी सेक्शन को यहाँ से वहाँ तक लिख देता हूँ शॉर्ट में। चैप्टर नंबर 1 के तहत सिर्फ 2 सेक्शन आने वाले हैं। सेक्शन नंबर 1 में इस एक्ट का शॉर्ट टाइटल यानी कि संक्षिप्त नाम, एक्सटेंट यानी कि विस्तार, और कमेंसमेंट यानी कि प्रारंभ। सेक्शन नंबर 2 में डेफिनेशन, 4 शब्दों को डिफाइन किया गया है, ज्यादा शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। कुछ टर्मिनोलॉजी जैसे कमीशन लिखा होगा तो आप उसको क्या समझेंगे, नेशनल वेमेन कमीशन। अगर कमीशन कहीं लिखा है तो वो फुल फॉर्म उसकी कमीशन समझी जाएगी। तो ये 3-4 शब्दों को सेक्शन नंबर 2 में डिफाइन किया गया है। तो चैप्टर 1 में सिर्फ 2 सेक्शन है, जिसमें पहला सेक्शन इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम यानी कि शॉर्ट टाइटल जो कि लिखा हुआ है कि नेशनल कमीशन वेमेन एक्ट 1990,
और 1990 ये 30 अगस्त 1990 को पास हुआ, प्रकाशित हुआ ऑफिशियल गैजेट पर, राजपत्र पर। जब कोई एक्ट कानून बन जाता है तो उसको ऑफिशियल गैजेट पर प्रकाशित किया जाता है, है ना, कि उसमें क्या क्या लिखा गया, क्या प्रावधान है, एज इट इज़ जो जो प्रोविजंस होते हैं वो अपन चर्चा कर रहे हैं। अब शुरू होता है इसका चैप्टर नंबर 2, जहाँ से सारी भूमिका शुरू होती है। तो चैप्टर नंबर 1 में सिर्फ 2 सेक्शन है, परिभाषाएं, जैसे कमीशन का मतलब क्या होगा, अगर इस एक्ट में कहीं कमीशन लिखा हुआ है तो उसका मतलब समझा जाएगा विमेन कमीशन, या प्रिस्क्राइब्ड लिखा है तो नियमों द्वारा विहित, तो 3-4 ऐसे शब्द इनको यहाँ डिफाइन किया गया है। चैप्टर नंबर 2 शुरू होता है जिसमें 3 से लेकर 9 तक के सेक्शन, और सबसे पहले आता है सेक्शन नंबर 3, उसमें गठन किया गया है या एस्टैब्लिश किया गया है। या कंस्टिट्यूट किया गया है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के सेक्शन 3 के तहत एक राष्ट्रीय महिला आयोग होगा, एक नेशनल कमीशन फॉर वुमेन होगा, जिसकी एक चेयरपर्सन होगा यानी कि अध्यक्ष, जो महिला हितों के प्रति समर्पित हो, ऐसा व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, समाज सेवी, और इसकी अपॉइंटमेंट की जाएगी किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट। और बोला गया इस एक चेयरपर्सन के अतिरिक्त 5 मेंबर होंगे, इनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। बस ये बात कही गई कि इन 5 मेंबर में से एक मेंबर होना चाहिए एससी से और एक मेंबर होना चाहिए एसटी सदस्य। तो एक चेयरपर्सन हो गया, ऐसा कोई विशेष प्रावधान नहीं, कोई भी हो सकता है, जो महिलाओं के लिए जिन्होंने कुछ सामाजिक आंदोलन किए हों या सामाजिक आंदोलन का हिस्सा रहे हों, यानी कि कुल मिला के उन्होंने अपना जीवन महिला हितों के उपायों को खोजने में लगाया हो या उनके संरक्षण में लगाया हो, ऐसे ही किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री जी या केंद्र सरकार चुनती है। इन्हीं के अलावा ऐसे इसी तरीके के 5 लोगों को चुना जाता है जिनमें एक सदस्य का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का होना अनिवार्य है। एक और मेंबर होता है जो इस कमीशन का सेक्रेटरी कहलाता है या सचिव, ये भारत सरकार का एक प्रशासनिक अधिकारी होता है, जिसके हाथों में सारे एग्जीक्यूशन के काम होते हैं, और ये विशेष योग्यता प्राप्त व्यक्ति होता है, इसका भी अनुभव उस दिशा में होना चाहिए, महिला संरक्षण की दिशा में, तब ये एक टीम बना पाएगा और उस दिशा में काम कर पाएगा। तो चैप्टर नंबर 2 के तहत सेक्शन नंबर 3 में इनका क्या कर दिया गया है, एस्टेब्लिशमेंट कर दिया, उसके बाद बता दिया कि इसमें कौन कौन और लोग होंगे या इनका टेन्योर क्या होगा। सेक्शन नंबर 4 में इनका पदावधि या टर्म्स ऑफ ऑफिस और सेवा शर्तें, कंडीशंस, जो भी टेन्योर होगा वो 3 साल से ज़्यादा का नहीं हो सकता, 3 साल की अवधि तक का टेन्योर हो सकता है। और जो, हाँ, अध्यक्ष और सदस्य दोनों का 3 साल की अवधि तक हो सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की पहली अध्यक्ष बनी थी जयंती पटनायक, जो सबसे पहले 1992 में बनी थी, जयंती पटनायक। वर्तमान अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा,
कार्यकारी अध्यक्ष थी, फिर अक्टूबर 2018 में इन्होंने अध्यक्ष के तौर पर फाइनली पदभार ग्रहण किया। तो एक सेक्रेटरी होगा, इनकी पदावधि यानी कि इनका टेन्योर होगा 3 साल का, और अगर इनको रेजिग्नेशन देना है, त्यागपत्र देना है, तो ये केंद्र सरकार को सूचित करते हुए अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। ये सेक्शन नंबर 4 में ही बता दिया गया है। सेक्शन नंबर 5 में बताया गया है कि अदर ऑफिसर एंड स्टाफ, अपॉइंटमेंट ऑफ अदर ऑफिसर्स एंड स्टाफ, ऐसा कह सकते हो। और कहा गया है कि अगर आयोग को लगता है, जैसे कि हमने एक सेक्रेटरी बनाया है, कि आयोग को लगता है कि इनको और ऑफिसर्स की नियुक्ति करनी है या स्टाफ के लोगों को और रखना है, तो सेक्शन नंबर 5 के तहत ये अपॉइंटमेंट उनकी कर सकते हैं अपनी सेवा शर्तों के अधीन। जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस ये रखेंगे, उन टर्म्स एंड कंडीशंस के अधीन सेक्शन नंबर 5 के तहत ये अदर ऑफिसर्स ऑफ स्टाफ की भर्ती कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 6 में इनकी सैलरीज के बारे में यानी कि वेतन संबंधित बातें दी गई हैं, खर्चा वेतन समझ लो। देखो, कोई भी ऐसा कमीशन जो किसी कानून के माध्यम से बनता है, संवैधानिक संस्था है नहीं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनके अंदर काम करने वाले लोगों का वेतन संचित निधि से दिया जाता है। कल हमने चर्चा की थी कंसोलिडेटेड फंड से। लेकिन जब इस तरह की संस्था आती है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन या विमेन कमीशन, इस तरह की संस्थाएं जिनका संविधान में जिक्र नहीं किया गया है और इनको कानून के माध्यम से लाया गया है, इनकी सैलरीज के लिए सरकार ग्रांट्स देती है, अनुदान देती है। क्या देती है? और जब जब गवर्नमेंट अनुदान देती है या ग्रांट देती है, तो उन अनुदानों का पूरा ब्यौरा गवर्नमेंट को देना होता है उसी कानून के तहत। उसके अलग प्रोविज़न बनाए जाते हैं कि सरकार ने इतने इतने पैसे दिए, ग्रांट्स दिए, तो उनको अपना अकाउंट्स मेंटेन करना होता है। उसके अलावा चूंकि अकाउंट यानी कि सरकारी अनुदान से सिस्टम चल रहा है, तो उसका ऑडिट भी होता है। ऑडिट का मतलब, जैसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारत सरकार की कोई अनुदान प्राप्त संस्था है या भारत सरकार कहीं किसी को अनुदान देकर कोई संस्था चल रही है, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल उसका ऑडिट करता है कि कितना पैसा खर्च किया जा रहा है, कैग जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, कितना कैसा पैसा खर्च किया जा रहा है, किस मद में खर्च किया जा रहा है, तो सारे ब्यौरे कानून के तहत उनको देने होते हैं। और जितनी फंड की जानकारी है, ये सिर्फ जाँच के दायरे में नहीं आती, इनको संसद में भी पेश करना हो, रिपोर्ट होती है, वार्षिक रिपोर्ट जाती है सरकार के पास, सरकार उसको पार्लियामेंट के सेशन में रखती है कि ये तो आयोग के काम की रिपोर्ट हो गई, ये उसके खर्चे का ब्यौरा हो गया जो ऑडिट किया गया है। इन सब चीज़ों को पार्लियामेंट में रखा जाता है। तो सेक्शन नंबर 3 के तहत हमने इस्टेब्लिशमेंट कर दिया, 4 के तहत उनका टेन्योर हो गया। इस्टेब्लिशमेंट कर दिया मतलब कुछ लोगों को अपॉइंट कर दिया। किन लोगों को अपॉइंट कर दिया? कि भाई एक चेयरपर्सन अपॉइंट कर दिया, 5 मेंबर अपॉइंट कर दिए, उन 5 मेंबर में एक SC ST का होना अनिवार्य है, एक सेक्रेटरी दे दिया हमने, एक सचिव दे दिया। उसके अलावा इनका टेन्योर डिसाइड कर दिया कि 3 साल की अवधि तक ये काम कर सकते हैं, और अगर इनको लगता है कि और ऑफिसर्स की नियुक्ति करनी है, अपॉइंटमेंट करनी है, तो सेक्शन नंबर 5 के तहत अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 6 के तहत इनके वही सैलरीज वेतन भत्ते होंगे जो तय किए जाएंगे जिस तरह की कंडीशंस होंगी, और वो सैलरी और भत्ते सरकार की ग्रांट से कंप्लीट किए जाएंगे। सेक्शन नंबर 7 बताता है, सैलरीज के बाद आता है रिक्तियों से कार्रवाई नहीं रुकेगी, मतलब वैकेंसीज, ऐसे समझो, वैकेंसीज के बारे में शॉर्ट में बता दिया मैंने। इसका मतलब क्या होता है? वैकेंसी शब्द याद रखना, आपको क्या है इन सेक्शन में क्या प्रोविज़न है, बस वो पता होना चाहिए
कि अगर मैं वैकेंसी शब्द लिख रहा हूँ तो आपको पता होना हो जाना चाहिए कि वैकेंसी का मतलब क्या है। आप ये समझना कि इन्होंने ये कहा है कि अगर इन केस मान लो हमने कमीशन बनाया, उसको बनाने में कुछ खामी रह गई, खामी रह गई का मतलब मान लो मेंबर नहीं थे उस समय, या मेंबर नहीं मिल पाए, 5 मेंबर नहीं मिल पाए, या 1 मेंबर चला गया, तो अगर 1 मेंबर की कुर्सी खाली है, या 2 मेंबर की कुर्सी खाली है, या सभी मेंबर की कुर्सी खाली ही क्यों ना हो, चेयरपर्सन की कुर्सी कभी भी खाली नहीं हो सकती। अगर बाकी के मेंबर नहीं हैं तो ये नहीं हो सकता है कि बाकी के मेंबर के न होने के कारण इनकी किसी भी कार्यवाही पर कोई आँच आए या वो रुके, वो किसी भी स्तर पर नहीं रुक सकती। किन चीज़ों से? रिक्तियों से। तो वैकेंसी से आयोग के काम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा सेक्शन नंबर 7 में इन्होंने कहा है, और सेक्शन नंबर 8 में इन्होंने कहा है कमेटीज़ के बारे में, समितियों के बारे में। क्या कहा है? कि आयोग की समितियां, कमेटीज ऑफ कमीशन, अभी अपन इनको लाइन से याद भी कर लेंगे, कि आयोग के समक्ष कुछ प्रश्न उठता है, कोई क्वेश्चन आता है जिसका आंसर नहीं मिल रहा। कमेटी बनती ही क्यों है? जब हमें कुछ जरूरत होती है, किसी विशेष चीज़ पर विचार करना है, तो हम एक कमेटी बना देते हैं और उनको वो मुद्दा सौंप देते हैं कि आप इस पर रिसर्च करिए, और रिसर्च करने के बाद किसी कंक्लूजन पर पहुंचिए और हमको बताइए कि हम इस मुद्दे पर क्या करें। तो आयोग को बताया गया है, कहा गया है सेक्शन नंबर 8 के तहत कि आप अपने किसी भी प्रश्न के लिए, प्रश्न मतलब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कमेटी, एक ऐसी कमेटी का गठन करें जिसका कोई भी मेंबर आयोग का मेंबर ना हो। मतलब एक ऐसी कमेटी आप इस्टेब्लिश करें जिसके मेंबर आयोग से या कमीशन से अलग होंगे, इस कमीशन के मेंबर इस कमेटी का हिस्सा न रहे। तो इस ऐसी कमेटी को आप गठित कर सकते हैं सेक्शन नंबर 8 के तहत, और जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को कमेटी के ज़रिए सॉल्व करवा सकते हैं, एक अतिरिक्त सहायता समझ लीजिए, है ना। तो आयोग यानी कि कमीशन अपने सदस्यों के इतर, अध्यक्ष और सदस्यों के अलावा एक कमेटी बना सकता है किसी विशेष विषय पर काम करने के लिए, है ना। तो सेक्शन नंबर 8 के तहत ऐसा ये कर सकते हैं। और इस चैप्टर का अंतिम सेक्शन है सेक्शन नंबर 9, जिसमें कहा गया है रेगुलेशन ऑफ द एक्ट, या आयोग की क्रियाओं का विनियमन किया जाना। रेगुलेट का मतलब जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हम कहते हैं, हमने रूल्स बनाए हैं और वो रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये चेक करने की प्रक्रिया रेगुलेशन कहलाती है। विनियमन, नियम बना दिए गए हैं, वो नियम जो बनाए हैं वो ठीक तरीके से हो रहे हैं या कि नहीं हो रहे हैं, इसके लिए क्या करना होता है? चेयरपर्सन क्या करेगा? मीटिंग बुलाएगा सभी लोगों की, सब लोग बैठो, क्या काम कर रहे हैं, क्या आदेश जारी हुए, कितने मामले आए, किस मामले में हम कहाँ तक आगे हैं, काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कोई आदेश ऐसा तो नहीं है जिस आदेश में कोई कमी हो या हम भूल गए हो। तो ये सेक्शन नंबर 9 के तहत आयोग की समस्त क्रियाओं को विनियमन किया जाना चाहिए, मतलब रेगुलेट किया जाना चाहिए। और रेगुलेट एक्चुअली या तो अध्यक्ष साहब तो समय समय पर मीटिंग लेते ही हैं, लेकिन एक तरीके से जो एग्जीक्यूटिव बंदा है इसका, जो कार्यकारी प्रमुख जिसको कह सकते हैं, जिसको काम करना है, एक तरीके से ये आयोग के CEO की भांति काम करता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो इसके पास ही आयोग का कोई आदेश आएगा। देखो आयोग काम करता है कैसे, एक सिविल कोर्ट की तरह, सिविल कोर्ट समझते हैं आप, ऐसे एक्ट या कानून के तहत बनने वाले सारे आयोग दीवानी न्यायालय की शक्ति प्राप्त होते हैं। दीवानी न्यायालय मतलब सिविल कोर्ट, और सिविल कोड बनता है, प्रोसीजर ऑफ सिविल कोड ...1908 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत इस न्यायालय, इस कमीशन को एक सिविल कोर्ट की पावर मिली हुई है।
सिविल कोड का मतलब ये है, ये भारत में मौजूद किसी भी व्यक्ति को समन भेज सकते हैं, उसको अपने यहाँ बुला सकते हैं, हाजिर होने के लिए कह सकते हैं, उसके बयान दर्ज कर सकते हैं, कुछ विशेष पेपर इनको अगर डिमांड करना है तो ये भारत सरकार से डिमांड कर सकते हैं, छानबीन कर सकते हैं, है ना। तो जो जो राइट एक दीवानी न्यायालय के होते हैं या सिविल कोर्ट को, जैसे मान लो किसी के घर की तलाशी लेनी, कुछ ऐसी स्थिति आ गई या ऐसा पता चला कि भाई कि संबंधित जगह पर कुछ ऐसे तस्कर हैं जो मानव तस्करी करते हैं और उस संबंधित गोडाउन में ऐसी चीज़ें पाई गई हैं जो अनुचित हैं, तो हो सकता है ये अपने लेवल पर ये जानकारी जुटाने के लिए सरकार को बोलें कि आप जाइए वहाँ छानबीन करके आइए, या उस जो व्यक्ति चला रहा है उस व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कहें, उसकी बात अपनी बात रखने के लिए, है ना। तो सिविल कोड की इनको पावर मिली हुई है। सेक्शन नंबर 9 के तहत क्या है, जो काम हो रहा है या जो नियम बनाए गए हैं उनका विनियमन, आदेश को अधिप्रमाणित करना या वेरीफाई करना, ये सीईओ का काम होता है या किसी सेक्रेटरी का काम होता है। तो चैप्टर नंबर 1 में सिर्फ दो सेक्शन थे, सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में सेक्शन नंबर 3 से लेकर सेक्शन नंबर 9 तक के सेक्शन थे। सेक्शन नंबर 3 में क्या था कि हम एक कमीशन बनाएंगे, कौन सा, जो NCW कहलाएगा। सेक्शन नंबर 4 में क्या था कि इनका टेन्योर क्या है, 3 साल है ना। सेक्शन नंबर 5 में क्या था कि और अधिकारी अगर आवश्यकता है और कर्मचारियों की तो ये नियुक्त कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 6 में क्या है, इनकी सैलरीज। विशेष बात याद रखने के लिए ये थी क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है कि भाई निम्नलिखित व्यक्ति का वेतन किस निधि से दिया जाता है, है ना। इनका संचित निधि से नहीं दिया जाता, इसके लिए सरकार की, सरकार ग्रांट देती है, अनुदान देती है, आगे उसका उल्लेख होगा। और सेक्शन नंबर 7 में कहा गया है कि वैकेंसीज होने के बावजूद भी आयोग की कोई भी काम नहीं रुक सकता, कि अगर कोई मेंबर एब्सेंस है तो उसकी एब्सेंट के कारण आयोग के कोई भी ऑर्डर ऐसा नहीं रोका नहीं जा सकता। सेक्शन नंबर 8 कहता है कि अगर कमीशन को लगता है तो वो किसी भी प्रश्न का आंसर जानने के लिए कमेटी बना सकती है जो आयोग के सदस्यों के अलावा रहेगी। सेक्शन नंबर 9 कहता है कि रेगुलेशन किया जाना चाहिए, अध्यक्ष साहब को समय समय पर मीटिंग करनी चाहिए और सचिव यानी कि जो सेक्रेटरी होते हैं वो असल मायने में रेगुलेटिंग ऑफिसरी की तरह काम करते हैं, क्या क्या काम होना है, क्या क्या काम हो चुका है, क्योंकि उनको सारी जानकारी अध्यक्ष को देनी होती है। अध्यक्ष सारी जानकारी सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है, मतलब आयोग, हमारी एक पूरी वर्किंग प्रोसेस उनको बतानी पड़ती है हर साल या जैसा उचित लगे वैसा। ये था चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 3 में सिर्फ एक ही सेक्शन है, 10, वेरी गुड, जिसमें बताया गया फंक्शंस ऑफ कमीशन, कार्य, इनके क्या कार्य होते हैं बेटा, क्या क्या कार्य होंगे कि किसी ने अगर शिकायत की है ना, अगर किसी ने कंप्लेन की है तो उस कंप्लेन पर ये काम कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ जैसे बोलते हैं स्वतः संज्ञान ले सकते हैं, खुद से सेल्फ मोटिवेट होकर काम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है किसी की शिकायत पर ही संज्ञान लें। इनके पास कोई भी जानकारी आती है तभी खुद से संज्ञान ले सकते हैं। कामों में ही ये आता है, चूँकि इनको सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त है तो इसके काम सिविल न्यायालय के तुल्य भी हो सकते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार को ये ज़रूरी है कि महिलाओं से संबंधित किसी भी, महिला उत्पीड़न से संबंधित या महिलाओं पर अत्याचार से संबंधित किसी भी मुद्दे पर कोई भी काम करने से पहले इसकी सलाह ले, राष्ट्रीय महिला आयोग की वो एडवाइजरी हर मसले पर लेंगे, ऐसा कहा गया है केंद्र सरकार को। तो इनके विशेष तौर पर सेक्शन नंबर 10 है। इन कामों में और भी बहुत से काम होते हैं कि भाई अवेयरनेस प्रोग्राम भी आपको चलाना है, साथ ही आप ऐसे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को भी बढ़ावा देंगे जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, है ना, वो सारी एक्टिविटी करेंगे जो महिलाओं उत्पीड़न को रोकने में कामयाब हो या कुछ हद तक सफल हो। अपने अनुशंसा सरकार को प्रेषित करेंगे, यानी कि अपनी एडवाइजरी कि आपको क्या लगता है कि इस दिशा में क्या अच्छा किया जाना चाहिए,
यानी कि इनको रिसर्च करना होता है, अनुसंधान हमेशा कि क्या अच्छा किया जाए। तो सेक्शन नंबर 10 के तहत बेसिक इनके फंक्शंस बताए गए हैं, और सेक्शन नंबर 10 में सिर्फ एक चैप्टर नंबर 2 में सिर्फ एक ही सेक्शन है, सेक्शन नंबर 10। इसके बाद आता था चैप्टर नंबर 3 जिसमें आता है, हो रहा क्या, बहुत बढ़िया। देखो चैप्टर नंबर 1 में दो सेक्शन आ गए, पहला धारा और धारा नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में कितने सेक्शंस आ गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। चैप्टर नंबर 3 में आ गए सिर्फ एक, 10। अब आया चैप्टर नंबर 4 जिसमें आया सेक्शन नंबर 11 और कहा गया है ग्रांट्स मेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, सरकार केंद्र सरकार द्वारा दिया गया अनुदान। अब जाहिर सी बात है सरकार ने एक कमीशन बनाया है तो उसमें खर्चे लगते हैं, खर्चे लगेंगे तो उनको दिया कहाँ से जाएगा, सरकार ही अनुदान देती है जिसकी मैंने बात करी। तो सेक्शन 11 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट्स प्रदान करेगी, और इन चैप्टर्स के नाम, इस चैप्टर का नाम है वित्त लेखा एंड संपरीक्षा। फाइनेंस अकाउंट एंड ऑडिट, तीनों चीजें। भाई कोई ना कोई तो पैसे देगा, फाइनेंस की आवश्यकता पड़ेगी, सरकार ने दे दी है, उसका लेखा जोखा इनको रखना पड़ेगा, अकाउंट्स, और जो इन्होंने किया है खर्च उसका ऑडिट होगा। तो चैप्टर नंबर 4 मेनली किस चीज पर है, अकाउंट्स एंड ऑडिट पर, कि सबसे पहले सेक्शन नंबर 11 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट्स ग्रांट्स देगी, अनुदान देगी, सेक्शन नंबर 12 के तहत अकाउंट्स एंड ऑडिट की व्यवस्था है। अकाउंट्स एंड ऑडिट यानी कि इनको लेखा जोखा रखना चाहिए, क्यों रखना चाहिए, क्योंकि उनका ऑडिट किया जाएगा। और सेक्शन नंबर 13 इन्हीं के आगे, इन्हीं के बारे में ये है कि सरकार, सॉरी आयोग अपनी रिपोर्ट किसको देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को सालाना। सेक्शन नंबर 13 में रिपोर्ट है कि क्या उन्होंने काम किया है, उसकी सालाना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। सालाना रिपोर्ट के अतिरिक्त अगर ज़रूरत पड़ती है, कुछ रिपोर्ट पहले देनी है या कुछ रिकमेंडेशंस हों और वो रिपोर्ट पहले इस केंद्र सरकार को जाना चाहिए, तो ऐसा भी हो सकता है। ऐसा आवश्यक नहीं होता कि सिर्फ साल में एक बार ही रिपोर्ट दी जाए। सेक्शन नंबर 13 में रिपोर्ट के साथ साथ सेक्शन नंबर 14 कहता है कि आप अकाउंट्स एंड ऑडिट की भी रिपोर्ट देंगे हमको। काहे की रिपोर्ट, अकाउंट्स एंड ऑडिट, जो सेक्शन नंबर 12 के तहत होगा उनका लेखा जोखा और उसका ऑडिट, उसकी रिपोर्ट सेक्शन नंबर 14 के तहत ये केंद्र सरकार को प्रेषित करेंगे। तो ये दो रिपोर्ट प्रेषित करते हैं। सेक्शन नंबर 13 के तहत इन्होंने जो भी काम किए होंगे, जो भी रिकमेंडेशंस होंगी, जो भी इनको प्रॉब्लम्स आई होंगी, और सेक्शन नंबर 14 के तहत जितने भी खर्चे हुए होंगे, जितना इनको फंड मिला होगा, उसकी रिपोर्ट भी इनको सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी होती है। और किसी भी तरह की रिपोर्ट को, किसी भी कमीशन के किसी भी तरह की रिपोर्ट को, अगर वो नेशनल कमीशन है तो पार्लियामेंट में रखा जाएगा उसको, अगर वो कोई स्टेट कमीशन है तो वहाँ की विधानसभा में रखा जाएगा। तो ये रिपोर्ट देंगे प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट उनको पार्लियामेंट में रख देंगे। इसके साथ ही अंतिम चैप्टर होता है चैप्टर नंबर 5 मिसलेनियस, जिसमें चैप्टर नंबर सेक्शन नंबर 15, 16 और 17 है। सेक्शन नंबर 15 में कहा गया है कि आयोग में यानी कि कमीशन में जो भी अध्यक्ष और सदस्य होंगे, चेयरपर्सन और मेंबर, ये माने जाएंगे लोक सेवक। कौन माने जाएंगे, लोक सेवक या सिविल सर्वेंट। और ये बात इसलिए कही जाती है कि इनके कार्यों में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य शामिल होता है कि ये भी चेक करते हैं कि कोई भी वॉयलेशन सिविल सर्वेंट के द्वारा तो नहीं किया जा रहा, या ऐसा कोई मामला जिसमें सिविल सर्वेंट द्वारा ये वॉयलेशन रोका नहीं जा रहा है। रोका नहीं जा रहा है मतलब उसको बढ़ाया जा रहा है,
तो इट मींस उसके ऊपर कार्रवाई के लिए हम केंद्र सरकार को संबोधित करते हैं। अब यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, चेयरपर्सन है, मेंबर्स हैं, ऐसा ये भी हो सकता है कि ये भी उसी दिशा में कुछ काम कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है ना, इन्होंने भी कुछ वॉल्यूशन नहीं रोका या होने दिया, तो इनके ऊपर भी ठीक उसी तरीके से कार्रवाई हो सकती है जैसे और सिविल सर्वेंट के ऊपर कार्रवाई करने के लिए सरकार को कहते हैं। तो ये भी क्या माने जाएंगे, सिविल सर्वेंट। और सिविल सर्वेंट की डेफिनेशन ये तो हमें याद ही होना चाहिए, सिविल सर्वेंट को परिभाषित हमारे हिंदुस्तान में इंडियन पीनल कोड में किया गया है। कहाँ किया गया है? इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 21 में डिफाइन किया गया है सिविल सर्वेंट को। तो इस कमीशन के चेयरपर्सन और मेंबर सिविल सर्वेंट माने जाएंगे इंडियन पीनल कोड की धारा 21 के तहत। ये सेक्शन नंबर 15 में कहा गया है और सेक्शन नंबर 16 में कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कमीशन से एडवाइस लेगी हरेक महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे पर। कोई भी राष्ट्रीय महिलाओं राष्ट्रीय हित का मुद्दा, वो मुद्दा जो महिलाओं के हित के लिए है, या कोई भी ऐसा नियम कानून जो महिलाओं के हित के या महिला सुरक्षा के लिए या महिलाओं के हितों के संरक्षण के लिए बनाया जा रहा है, कोई भी ऐसी कवायद की जा रही है, तो ये आवश्यक है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय महिला आयोग से परामर्श ले, यानी कि उनको एडवाइस लेनी ही पड़ेगी। ऐसा उनको सेक्शन नंबर 16 के तहत बाध्य किया गया है। तो सेक्शन नंबर 16 कहता है कि केंद्र सरकार कमीशन से एडवाइजरी लेगा, और सेक्शन नंबर 17 एडवाइजरी ली जाएगी किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। किससे ली जाएगी कि भाई नेशनल कमीशन फॉर वुमेन से। सेक्शन नंबर